हेलो, मेरा नाम सुहेल सफेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ियुन मोलस X100 लाइट के बारे में, जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज़ LED COB लाइट है। ये एक बाई कलर LED लाइट है जिसका केल्विन रेंज 2700 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक का है। इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट एक जो हार्ड डिस्क आती है उसके जितना है, लेकिन इसका जो पावर आउटपुट है, एक कन्वेंशनल आपने लाइट्स देखी होगी जो जैसे कि गोडोक्स की SL सीरीज़ है या ML सीरीज़ है, उसकी जो साइज़ आती है वो बहुत ही बड़ी आती है। उसकी कंपेयर में इसकी जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और आप इसे इजीली अपने कैमरा बैग में रख के कैरी कर सकते हो। वीडियो में बढ़ने से पहले एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहूँगा कुछ फोटो गुड्स को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की हुई है। और सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो वेरी करती है। बेसिकली इसमें तीन अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है, जिसमें 23,000 में बेसिकली आपको लाइट मिलेगी और जो पावर सप्लाई का इसका केबल्स रहते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप 32,000 वाला वेरिएंट परचेस करते हो तो उसमें आपको जो माउंट है एडिशनल, जिससे आप बोवेंस माउंट में इस लाइट को कन्वर्ट करके लगा सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। प्लस आपको एक एक्सटर्नल बैटरी मिल जाएगी, आपको एक साथ में कैरिंग बैग मिल जाएगा, एक कैरिंग पाउच मिल जाएगा और लाइट के लिए स्ट्रैप मिल जाएगा जिस तरीके का कैमरा इसके साथ आता है। और अगर आप 36,000 वाला जो कॉम्बो है वो परचेस करते हो तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो 32,000 वाले कॉम्बो में आती है वो तो मिलेगी ही आपको। साथ में एक बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट आपको जो सॉफ्ट बॉक्स है वो मिल जाएगा। तो मेरे पास जो अभी कॉम्बो अवेलेबल है वो 32,000 रुपीज़ MRP जिसका है वो है, जिसमें सॉफ्ट बॉक्स जो है वो नहीं आता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सॉफ्ट बॉक्स नहीं बता पाऊँगा, बट लेट्स सी के जो 32,000 वाला कॉम्बो है जिसमें बेसिकली सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा आपको कैरिंग केस मिल जाता है, और अगर इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले तो जो पावर सप्लाई के जो केबल्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इन दोनों को आप अटैच करके जो पावर सप्लाई है वो इस लाइट को सप्लाई कर सकते हो। जो LED लाइट है वो आपको मिल जाएगा, जिसके साथ में जो इसका रिफ्लेक्टर है वो साथ में लगाया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा और कॉम्पैक्ट साइज़ का रिफ्लेक्टर है। अगर आप इसको निकालना चाहो तो इजीली निकाल सकते हो। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में आपको बैटरी मिल जाएगी, जो कि एक्सटर्नल बैटरी है, जिसको आप आपकी लाइट में इस तरीके से अटैच कर सकते हो और आपका जो लाइट है वो अब रेडी टू यूज़ है। और ये जो बैटरी है वो ईज़िली एक हैंडल की तरीके से काम करती है। और साथ में एक छोटा सा आपको एडिशनल ये कैरिंग पाउच मिल जाता है, जिसमें अगर आप आउटडोर ट्रैवल कर रहे हो तो आप इजीली इसमें आपकी लाइट को सेफली रख सकते हो। इसका जो जो COB लाइट है वो प्रोटेक्टेड है, आगे उसमें ग्लास लगाया हुआ है। तो अगर आप इसको इसी तरीके से कैरी करते हो या फिर कैमरा बैग में रखते हो तो इसका जो COB का जो मेन पॉइंट है उसे आप डैमेज नहीं करोगे। बटन और कंट्रोल्स की बात करूँ तो इसमें बेसिकली तीन बटन और कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जिसमें एक जो कंट्रोल है जो CCT रिंग दिया हुआ है, जो 2500 केल्विन से लेकर 6500 केल्विन तक आपका चेंज करने में हेल्प करता है। जो दूसरा जो रिंग दिया हुआ है वो आपको जो आपका लाइट है उसका पावर प्लस माइनस करने में हेल्प करेगा, और जो तीसरा बटन है वो ऑन ऑफ करने के लिए है। तो इसका यूजेज बहुत ही सिंपल है, बट एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी है कि अगर आप जो CCT मोड है, रिंग है, उसको अगर आप प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आपका जो केल्विन है वो 2700 पे चला जाएगा। उसके बाद जो वापस एक बार प्रेस करते हो तो 5500 केल्विन पर चला जाएगा, और तीसरी बार अगर आप प्रेस करते हो तो 6500 केल्विन पर डायरेक्टली जंप कर जाएगा। और CCT वाला जो रिंग है अगर आप उसको प्रेस करके रखते हो तो ये म्यूज़िक मोड पे आ जाता है। जैसे कि LC500R में आपने देखा होगा कि किस अगर आप किसी तरीके का ऑडियो या म्यूज़िक प्ले करते हो तो लाइट जो है वो उस ऑडियो को फॉलो करता है, तो वो चीज़ इसमें भी दी हुई है। और लाइट का इंटेंसिटी वाला जो डायल है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी सेम फीचर है। अगर आप उसको एक बार प्रेस करते हो तो लाइट डायरेक्टली 50% पे चली जाएगी, सेकंड टाइम प्रेस करते हो तो 100% पे चली जाएगी, और थर्ड टाइम प्रेस करते हो तो 0% पे चली जाएगी। तो ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और हर जगह पर इस तरीके का आपको दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और उसकी वजह से फायर होने के भी चांसेस है। इसे अगर आप यूज़ करते हो तो केयरफुली यूज़ करें, और बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम अगर आप इसको यूज़ करते हो तो इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक गर्म हो सकती है। अगर इसमें आप ट्राइपॉड या किसी तरीके का हैंडल इसमें अटैच करते हो, जो कि यहाँ पर स्क्रू माउंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर दो जगह पर स्क्रू माउंट्स आप देख सकते हो दिए हुए हैं, जिसमें जो सेंटर वाला स्क्रू माउंट है अगर आप उसमें लगाते हो तो ये काफ़ी ऑफ बैलेंस हो जाएगा,
और उसी वजह से साइड पर आपको एक स्क्रू माउंट दिया हुआ है 1/4 इंच का, जिसमें अगर आप लगाते हो तो बैटरी लगाने के बाद भी इसका जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छे से रहेगा। इसकी जो लाइट है उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो CRI रेटिंग है वो इसका 95% है और जो TLCI रेटिंग है वो 97% है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो लाइट का कलर एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। और इसकी अगर मैं पावर की बात करूँ तो एक मैं आपको बताता हूँ इसका पावर किस तरीके से है। अभी फ़िलहाल जो लाइट है वो 100% पर है, आप देख सकते हो कि इसका जो पावर है वो किस तरीके से है। अब अगर मैं इसका केल्विन चेंज करूँ तो यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो तो 2700 केल्विन से डायरेक्टली 5500 केल्विन पर हो जाता है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पावर जो है वो ये लाइट प्रोड्यूस करती है, और अभी 6500 केल्विन पर ये है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो आप देखिए कितना ज़्यादा पावर जो है ये लाइट प्रोड्यूस करती है। तो आउटडोर के टेस्ट के लिए मैंने इस लाइट को बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप में, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज एनवायरनमेंट में शूट किया है, दोपहर के 3-4 बजे के आसपास। और आप देख सकते हो कि अगर आप इसको एज अ फील्ड लाइट यूज़ करते हो तो इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। डे टाइम में किसी भी टाइम पर अगर आप इस लाइट को यूज़ करते हो तो एज अ फील्ड लाइट आप इसको 100% यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरा एग्जांपल है उसमें अगर आप इस लाइट को एज अ की लाइट यूज़ करते हो तो किस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है वो आप देख सकते हो। इसका जो पावर आउटपुट है वो इसकी साइज़ के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप जब इसको यूज़ करते हो अगर प्रैक्टिकली, तभी आपको पता चलेगा कि लाइट एक्चुअल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं अगर बात करूँ कि इसमें बैटरी के जो पावर सप्लाई के इसमें जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जैसे कि आपने देखा कि इस तरीके से आप जो एक्सटर्नल बैटरी है वो लगा करके आप इसको वायरलेसली तो यूज़ कर ही सकते हो। साथ ही साथ अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो पावर सप्लाई मैंने आपको बताया, जो केबल साथ में दिए हुए हैं, वो आप इसमें लगा सकते हो। और उसके बाजू में टाइप सी का भी आपको पोर्ट दिया हुआ है। जो टाइप सी का जो पोर्ट है वो दो चीज़ों में आपको यूज़फुल रहता है। फर्स्टली तो आप इस लाइट को उससे अपडेट भी कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं वो आप इजीली इसमें कर सकते हो। और टाइप सी केबल लगा करके अगर आप पावर बैंक लगाते हो तो आप इसको पावर सप्लाई दे सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ कि इसका जो एक्सटर्नल बैटरी आता है उसका पावर सप्लाई का कैपेसिटी कितना है, तो ये 2600 mAh का बैटरी आता है। और बेसिकली अगर आप फुल पावर पे इस लाइट को यूज़ करते हो 100% पे, तो 30 मिनट्स 25 मिनट्स जितना आपको इसका जो बैटरी है वो सपोर्ट करेगी। और अगर आप 30% 40% के आसपास अगर आप इस लाइट को रख के यूज़ करते हो तो जो बैटरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स जितना आपको बैटरी बैकअप दे सकती है। इसके अगर मैं फ़ैन नॉइज़ की बात करूँ तो इसका जो फ़ैन नॉइज़ है वो बहुत ही कम है। आप इवन अगर फ़ैन रनिंग होता है उस वक्त पे अगर माइक्रोफोन के नज़दीक ले जाते हो तो जो नॉइज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर आएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो कि आपको हमेशा कोई भी लाइट परचेस करने से पहले देखना चाहिए, वो ये है कि एक 100 वॉट का लाइट जो होता है उसका और 60 वॉट या 150 वॉट्स का जो लाइट होता है उनका जो पावर वेरिएशन है वो 100 वॉट या 60 वॉट से डिटरमिन नहीं होता। से फॉर एग्जांपल ये 100 वॉट का लाइट है तो उसका मतलब ये है कि इसका इसको 100% अगर आप पावर आउटपुट पे यूज़ करना चाहते हो तो इसको 100 वॉट का पावर सप्लाई चाहिए रहेगा। सेम मैं जो लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो गोडोक्स SL60 है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसको 60 वॉट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि जो 60 वॉट का लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका पावर आउटपुट इस लाइट से आधा है, मतलब कि 60% है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इसका टेस्टिंग किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये टेस्टिंग में आपने देखा कि जो पावर आउटपुट है वो दोनों लाइट्स का सिमिलर है, और इवन जो टेस्टिंग मैंने किया है उसमें दोनों को डायरेक्टली ही फायर किया है, मैंने किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफायर या रिफ्लेक्टर इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ है। और मैंने कंफर्म करने के लिए एक सेकंड टेस्ट भी किया जिसमें मैंने एक अलग से फ़ोटो लिया सेम पावर सेम सेटिंग्स के ऊपर, जो आप देख सकते हो। तो साइड बाय साइड भी आप देख सकते हो इवन दोनों का पावर काफ़ी हद तक सिमिलर है। और इसका रीज़न ये है कि जो कंपनीज़ है वो सेम जो मोबाइल मार्केट में हो रहा है कि मोबाइल जो कैमरा है उसको मेगापिक्सल के नाम पे बेचा जाता है, जबकि किसी भी मोबाइल कैमरा की क्वालिटी या जो पिक्चर है वो मेगापिक्सल के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करता। और सेम उसी तरीके से लाइट की इंडस्ट्री में भी जो लाइट है उसको 60 वॉट या 100 वॉट या 150 वॉट्स का बता करके उतना रिलेटिव पावर ये लाइट प्रोवाइड करेगी, वैसा एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है जो कि वैसा नहीं है। एक्चुअल में जो लाइट का आउटपुट है वो लक्स मीटर में मेज़र किया जाता है, और आप किसी भी लाइट को परचेज़ करते हो तो उसका जो लक्स का जो मेज़रमेंट है वो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में उसकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ रहता है, जो कि आप चेक कर सकते हो। और हमेशा
उस चीज़ को कंपेयर करके लाइट परचेस करें। ये लाइट ऐसा भी नहीं है कि पावरफुल नहीं है, मेरे हिसाब से ये लाइट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपका कुछ इस तरीके का वर्क है जिसमें आपको आउटडोर यूजेज ज़्यादा है, आप जो आपका जो शूट है वो इंडोर नहीं है, आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो और ऑन लोकेशंस आप जाते हो, विज़िट करते हो और वहाँ पर शूट करते हो, तो वैसी सिचुएशन में ये लाइट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इवन आउटडोर में भी अगर आप पोर्ट्रेट्स या प्री वेडिंग्स या वेडिंग्स करते हो या मॉडल शूट भी अगर आप इवन करते हो तो वीडियो में ये लाइट बहुत ही अच्छी रहेगी, बिकॉज पहली चीज़ तो ये कॉम्पैक्ट है, कैरी करने में ईजी है और इसका जो पावर है वो इतना सफिशिएंट है कि अगर डे टाइम में भी आप इसको यूज़ करते हो तो आपके जो शेडोज़ है उसको आप इससे ईजीली कट कर सकते हो। अब इसमें कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई पर्सनली, वो ये है कि इसमें जो माउंट दिया हुआ है वो जो ज़ियून का माउंट है वो है। अब अगर मैं जो मेरे पुराने सॉफ्ट बॉक्सेस है वो मैं इसमें अगर अटैच करना चाहूँ तो मुझे जो इसका कन्वर्टर है वो लगाना पड़ेगा, जो कि मुझे जिसके लिए मुझे अलग से जो बड़ा वाला इसका जो महंगा वाला पैकेज है वो परचेस करना पड़ेगा। अब वो अगर मैं परचेस करने जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है नेगेटिव जो मुझे लगा पर्सनली वो यही है कि इसका जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी मिडल लेवल पर आप बोल सकते हो, जबकि जो गोडॉक्स है या जो करंटली मार्केट में जो अभी इंडिया में सेल हो रही है उन लाइट्स के अगर मैं कंपेयर करूँ तो उन सारी लाइट्स के कंपैरिजन में ये लाइट महंगी है। रीज़न ये है कि अगर आप 23,000 रुपीज़ स्पेंड करते हो तो सिर्फ आपको ये लाइट और जो पावर हब है वही मिलेगा, आपको जो इसकी एडिशनल बैटरी है वो वाला पैकेज अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको 32,000 रुपीज़ तक जाना पड़ेगा। और अगर वही आप परचेस करते हो तो इस लाइट के जो पूरा पोटेंशियल है वो आप यूज़ कर पाओगे। तो 32,000 में अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो उसके ऑप्शन में आपके पास गोडॉक्स की जो ML सीरीज़ की जो लाइट है जो बैटरी ऑपरेटेड है अगेन, और वो 23,000 रुपीज़ के आसपास उसमें बैटरीज के साथ आप उसको परचेस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस डिफरेंट की वजह से ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा, अदरवाइज़ ये लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट और पावरफुल लाइट मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। और अगर आपको इस लाइट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।